हेलो जाहिन दोस्तों, कैसे हो? आज लिख रहे हो अग्निवीर जीडी ट्रेडमेंट क्लर्क नर्सिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 20 क्वेश्चन। देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, हर बार रिपीट होता है, वही क्वेश्चन लिख रहे हूँ। तो दोस्तों, आपका एमसीक्यू जीके और जीएस 20 क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जिस बंदा 15 जनवरी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका 100% चांस है रिपीट होगा, क्योंकि PBRCR का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, आर्मी का एग्जाम है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए जिस बंदा 15 जनवरी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। और जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार, देख लीजिए किसके साज का तारा के जाना जाता है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, जिस बंदा यहाँ पे चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा विनर्स शुक्र होगा सही आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, देख लीजिए राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन जरूर देता है आपका एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों, बहुत अच्छा तरह राज्य राजधानी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बता दीजिए, उड़ीसा का राजधानी का नाम क्या है, चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, भुवनेश्वर को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज नॉन एज पंजाब केसरी, देख लीजिए किसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, तुक्का मत मारना, तुक्का मारेगा तो 100% ही आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि तुक्का मारेगा तो आपका वो जानकारी आपका अंदर नहीं है, इसीलिए तुक्का मार रहे हो। और आर्मी का एग्जाम में आपका नेगेटिव पॉइंट भी है, इसीलिए आप तुक्का मत मारना, अच्छा तरह जो आपका दिमाग में है अच्छा तरह उसका राइट आंसर देकर ही आओ, आपका पास हो जाएगा। लेकिन तुक्का मत मारना, आपका जो प्लस पॉइंट का मार्क्स है उससे काटा जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए तुक्का मत मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसको पंजाब केसरी नाम से जाना जाता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन डी को चुना, लाला लाजपत राय को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द आइटर ऑफ द फेमस बुक गीत गोविंद, देख लीजिए प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद का लेखक कौन थे, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना, जयदेव को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिख, देख लीजिए सिख धर्म का संस्थापक कौन थे, बता दीजिए किसको जाना जाता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, सिख धर्म का संस्थापक मनाया जाता है किसको, तो दोस्तों चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 13 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, गुरु नानक देव को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, देख लीजिए निम्नलिखित में किसको मापा जाता है, जड़त्व का मापा जाता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा मास द्रव्यमान होगा सही आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा जो इंडियन आर्मी का एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, आपका एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है, वो आप पिछले 5 ईयर का क्वेश्चन पढ़ लो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इंडियन आर्मी में एक साल में बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम कंडक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। इसीलिए अब पिछले 5 ईयर का क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वही PBRCR का क्वेश्चन
आपका आने वाला एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है 2015 से लेकर 2020 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ था ऑल इंडिया आपका ईयरों का, आपका स्टेट का जितने भी हुआ था वो हमारा पास है। आप चाहे तो खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया पेमेंट करके, जस्ट 89 रुपया में मिल जाएगा 5 ईयर का क्वेश्चन। तो दोस्तों जिस बंदा लेना चाहते हो इसी नंबर पे कॉल करके ले लीजिए, पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी इसी नंबर पे मिल जाएगा। तो दोस्तों पेमेंट के 10 मिनट के अंदर ही आपका व्हाट्सअप में चला जाएगा, कोई धोखाबाजी कोई फ्लोटिंग नहीं होगा, आपका पेमेंट के 10 मिनट के अंदर ही चला जाएगा। तो दोस्तों जरूर इसी नंबर पे कॉल कीजिए और ले लीजिए जिस बंदा लेना चाहते हो, और जिस बंदा ले लिया वो अच्छा तरह तोड़ मोड़ के खा लो, आपका एग्जाम वहीं से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लो। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ पीडीएफ किस तरह है। तो दोस्तों देख लीजिए एआरओ हेडक्वार्टर दानापुर का है, चाहे आप एआरओ दानापुर से हो, चाहे आप एआरओ कटिहार, एआरओ मुजफ्फरपुर, एआरओ जबलपुर, कोई भी एआरओ से हो, लखनऊ, मीरठ, कोई भी एआरओ से हो सभी एआरओ का मिल जाएगा, हैदराबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई, एआरओ सिलीगुड़ी, एआरओ कोई भी एआरओ से हो, जम्मू, अहमदाबाद, जामनगर, सिलचर, नारंगी सभी एआरओ का मिल जाएगा। इसी तरह जरूर कॉल कीजिए और आपका एआरओ का अवेलेबल है क्या वो देख लीजिए, है तो ले लीजिए। तो दोस्तों ये आपका हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा बात है। जनरल ड्यूटी ट्रेड्समैन सभी का मिल जाएगा जस्ट 89 रुपया में मिल जाएगा, जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी मिल जाएगा जस्ट 89 रुपया में मिल जाएगा, 5 ईयर का ऑल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं है 5 ईयर का ऑल क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका एग्जाम क्लियर। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया और ओरिजिनल पेपर में वही क्वेश्चन उठाकर बना दिया, तो दोस्तों जरूर ले लीजिए आप। तो दोस्तों जिस बंदा लेना चाहते हो इसी नंबर पे कॉल कीजिए, वीडियो के लास्ट में कॉल कीजिए, आपके लिए कॉल टाइम अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब, लिख दीजिए निम्नलिखित में कौन से धातु जो बल्ब का फिलामेंट रूप से प्रयोग किया जाता है, बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना उसका सही आंसर हो जाएगा, बी टंगस्टन होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ खानवा व्हिच ईयर, देख लीजिए खनवा का युद्ध कब हुआ था, बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों चार ऑप्शन में जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना उसका सही आंसर हो जाएगा, 1527 में हुआ था खनवार का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लखनऊ सिटी बैंक ऑफ व्हिच ईयर, रिवर देख लीजिए, लखनऊ शहर कौन से नदी के तट पर स्थित है, बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन चुनिए ए को चुना उसका सही आंसर हो जाएगा, गोमती रिवर के तट पर स्थित है लखनऊ शहर। तो दोस्तों लखनऊ सिटी बैंक ऑफ व्हिच रिवर, गोमती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है खासी एंड गारो टिप्स मेनली लिव्ड इन, देख लीजिए खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है, बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए, कहाँ रहती है चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए, तुक्का मत मारना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन डी को चुना मेघालय में स्थित है खासी और गारो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया, देख लीजिए भारत में सबसे पुराना जो महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है वो कौन से राज्य में स्थित है, बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों वहाँ पे जो ओरिजिनल पेपर से उठाया था वहाँ पे आपका राज्य दिया हुआ था इसीलिए राज्य ही दे दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना उसका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड में स्थित है सबसे इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मेडिटेरियन इज लोकेटेड एट डैश डिग्री मेडिटेरियन, तो दोस्तों भूमध्य रेखा किस कितने डिग्री अक्षांशों में स्थित है, बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप ऑप्शन देखकर ही बता दिया, ऑप्शन ए हो सॉरी सी होगा सही आंसर, 0 डिग्री होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 16 अक्टूबर में पूछा गया था, आपका अग्निवीर का पहले जो एग्जाम हुआ था 16 अक्टूबर वहाँ में पूछा गया था, किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ नहीं किस लिए प्रसिद्ध है इसी तरह पूछा गया था। तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन, देख लीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना उसका सही आंसर हो जाएगा, आसाम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट एनी अकबरी। देख लीजिए एनी अकबरी किसने लिखा बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन ए को चुना, अबुल फजल को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस अकेडमी इज लोकेटेड एट। देख लीजिए राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी स्थित है कहाँ पे स्थित है बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसी 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन आ रहा है वो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इसी 20 क्वेश्चन में जिस बंदा को 15 प्लस क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए उसका एग्जाम क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ओरिजिनल पेपर से ही उठा कर दे दिया। तो दोस्तों ओरिजिनल पेपर में 20 क्वेश्चन में से आपका 15, 16, 17 क्वेश्चन आ गया, तो मान लीजिए आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही जबरदस्त तैयारी चल रहा है। ऐसे नहीं बताएंगे जे हमारा तो 15, 16 क्वेश्चन आ गया तो जबरदस्त कैसे चल रहा है, लेकिन आपका ये सभी क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर से ही उठा कर दिया। तो दोस्तों ओरिजिनल पेपर से आप 20 क्वेश्चन से आप 15-16 क्वेश्चन कर दिया तो बहुत ही अच्छा तैयारी चल रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे ही तैयारी करो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और जिस बंदा अभी तक पीडीएफ नहीं लिया वो पीडीएफ लेकर अच्छा तरह पढ़ो, और भी जबरदस्त तैयारी होगा। कोई बात नहीं, आप पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी उसी नंबर पे मिल जाएगा, पेमेंट के 10 मिनट के अंदर ही चला जाएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अभी तक नहीं लिया तो कॉल करके ले लीजिए, अभी भी हाथ में आपका टाइम है, बहुत टाइम है, आप कॉल करके लेकर अच्छा तरह पढ़ो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पे स्थित है, नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा खरगवासला को चुना उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। देख लीजिए मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है बता दीजिए चार ऑप्शन है, आप सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन बी को चुना उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लीवर होगा, जकड़ित होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मिरर यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कार। देख लीजिए कौन से कार के हेडलाइट में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कनकव मिरर होगा सही आंसर, अवतल दर्पण होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। देख लीजिए भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना उसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा सही आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। देख लीजिए रशियन रूस क्रांति का जनक किसको कहता है बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस बंदा ऑप्शन सी को चुना, लेनिन को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड। देख लीजिए राष्ट्रीय रक्षालय कहाँ स्थित है बता दीजिए चार ऑप्शन में, सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा ऑप्शन डी को चुना, न्यू दिल्ली को चुना, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और जिस बंदा अभी तक पीडीएफ नहीं लिया वो ले लीजिए, क्योंकि वही 5 ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन आप पढ़ लिया तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है। इसीलिए आप पिछले 5 ईयर का क्वेश्चन जरूर खरीद लीजिए, 89 रुपया उसका कीमत है, बहुत ज्यादा नहीं है, जरूर ले लीजिए। और जिस बंदा सोच रहा हो लूंगा क्या नहीं लेंगे, आपका वो सोचते सोचते आपका जो टाइम है एग्जाम का वो चला आएगा और एग्जाम निकल जाएगा। इसलिए आप थोड़ा टाइम है, आप लेकर अच्छा तरह पढ़ो, एग्जाम वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जिस बंदा अभी तक नहीं लिया कॉल करके ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।